आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मूर्तियों को कैसे रंगा जाता है। आप जो मूर्ति देख रहे हैं इसे बनाने की प्रोसेस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। 5 मिनट्स की इस वीडियो में मैंने कलर करने की प्रोसेस को डिस्कस किया है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। वीडियो अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, और जो मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस मूर्ति को रंगने के लिए मुझे जो चीज़ों की आवश्यकता पड़े वो है फैब्रिक कलर और ब्रश और जो मूर्ति मैंने बनाया। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरा जो पुरातन वीडियो है उसका एक रिव्यू ले लें। ये मूर्ति सूखने के बाद मैं इसे कलर किया, तो पहले मैं व्हाइट कलर करूँगा। व्हाइट कलर करने से इस पर जो मैं कलर यूज़ करूँगा वो किसी तरह की कलर डिसकलर नहीं होगा, और गाय की कलर भी व्हाइट होता है इसलिए मैंने इसे व्हाइट कलर किया। व्हाइट कलर हो जाने के बाद इसे मैं शेडिंग करूँगा। शेडिंग करने के लिए ब्लैक और व्हाइट कलर मिक्सचर करके मैं इसे शेडिंग करूँगा। अब देख रही है कैसे मैंने शेडिंग किया, और अब शेडिंग करने के बाद मैं इसकी फेस की कलर करूँगा। तो अब देख रही है मैंने ब्लैक कलर लिया है, और ब्लैक कलर से मैं जो मुंह है वो मैं कलर करूँगा। इसके बाद मैं आँखों को बनाया। गाँव की कलर हो जाने के बाद मैं उसके बच्चे की कलर करूँगा और उसे शेक करूँगा। इसके बाद मैं बेस की कलर करूँगा, तो बेस कलर में मैं घासों की घास बनाऊँगा, इसलिए मैंने पहले येलो कलर उसके बाद मैंने ग्रीन कलर की यूज़ करके मैं घासों को बनाऊँगा। इसके बाद मैं छोटी छोटी जो काम है उसे मैं कंप्लीट करूँगा, जैसे कि बछड़े की मुंह बनाना, आँखें बनाना, पाँव की खुर बनाना। तो वीडियो ऐसे मैं कंप्लीट करूँगा धीरे धीरे, और वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसे लाइक और शेयर करें।